गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने हिंदी व्याकरण का अ पठित कृत्यांश पार्ट 16 पढ़ा था, जिसमें हम एक पैराग्राफ कर चुके हैं। आज हम दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। पेंसिल की कहानी। पेंसिल की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। करीब 600 वर्ष पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टान मिली। इनका कोई टुकड़ा लेकर कागज या पत्थर पर लिखा जाता तो निशान या लकीरें बन जाती। इसके कोई 150 साल बाद इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टान मिली। पहले गडरियों को इनका पता चला। वे ग्रेफाइट की चट्टान का टुकड़ा लेकर अपनी भेड़ों पर निशान लगा देते। इससे उन भेड़ों की अलग से पहचान हो जाती थी। फ्रांस के निकोल्स जेट कांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हर्थमुथ ने सबसे पहले पेंसिल बनाने में कामयाबी हासिल की। अब तो इतनी सुंदर पेंसिलें बनती हैं कि बच्चे उन्हें पाने के लिए मचर उठते हैं। अब पेंसिलों पर सुंदर सुंदर बच्चों के हंसते खेलते चित्र होते हैं। कुछ पर पक्षियों और जानवरों के भी चित्र होते हैं। वे इतनी रंग बिरंगी होती हैं कि उन्हें हाथ में लिए बगैर चैन ही नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स, इतना ही पैराग्राफ था। और जैसे हमने कल क्वेश्चन के जो आंसर थे हमने पैराग्राफ में छांटे थे, आज भी उसी तरह ही हमने छांटने हैं। करीब 600 वर्ष पहले जर्मनी में किसकी चट्टाने मिली थी? जर्मनी में 600 वर्ष पहले हम देख के बताएंगे, इसमें छांटेंगे। 600 वर्ष पहले ग्रेफाइट की चट्टाने मिली। और इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, ग्रेफाइट के टुकड़े से कागज या पत्थर पर लिखने से क्या बन जाता है? और पैरे में से छांट के ही हम लिखेंगे, कागज या पत्थर पर निशान या लकीरें बन जाती। ग्रेफाइट की शुद्ध चट्टान सबसे पहले कहाँ मिली? सबसे पहले कहाँ मिली थी? इंग्लैंड में। गडरिये ग्रेफाइट से क्या करते थे? हम यहाँ से नहीं देखेंगे, हम पीछे से देखेंगे पैराग्राफ में से। वो लोग क्या करते थे? अपनी भेड़ों पर निशान लगा देते थे। सबसे पहले पेंसिल बनाने में किसने कामयाबी हासिल की? फ्रांस के निकोल्स जेट कांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हर्डवर्थ ने। ठीक है, ये हमारा इतना ही था, हो गया। अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो आगे जो पैराग्राफ आपकी बुक में दिए गए हैं वो पढ़ेंगे, और आगे इनके जो क्वेश्चन आंसर है इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे। घर पर आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं, बाकी मैं आपको करवाऊंगी बाद में।